नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M21 versus Nokia G20 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M21 में 6.26 इंच जबकि Nokia G20 में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M21 में 2.96 इंच जबकि Nokia G20 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M21 में 0.35 इंच जबकि Nokia G20 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy M21 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M21 में 192 ग्राम जबकि Nokia G20 में 197 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy M21 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M21 में Super AMOLED जबकि Nokia G20 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy M21 में 19:5:9 जबकि Nokia G20 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M21 में 6.4 इंचेस जबकि Nokia G20 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M21 में 1080x2340 और Nokia G20 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M21 में 84.02% जबकि Nokia G20 में 81.39% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M21 में 403 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nokia G20 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M21 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Nokia G20 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M21 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nokia G20 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M21 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Nokia G20 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M21 में Mali-G72MP3 जबकि Nokia G20 में PowerGE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M21 में Samsung Exynos 9 Octa 9611 और Nokia G20 में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M21 में 6000mAh जबकि Nokia G20 में 5050mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy M21 की 12,499 रुपीस जबकि Nokia G20 की 14,290 रुपीस प्राइस है।
जो कि गैलेक्सी M21 से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी M21 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में गैलेक्सी M21 आगे है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F12 है जो कि 8,999 रुपए में मिलता है। तीसरा है जो कि 9,649 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 है जो कि 12,499 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।